कौन हो भाई, गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तुमने? ओहो, तुम वही मैकेनिक हो जो कल आने वाले थे? पूरी गाड़ी अच्छे से चेक कर लो और जल्दी से बना दो, और पैसे कर लेना, समझ गए ना तुम? प्लेयर्स कितने बजे आएंगे? 7 ही बजे ना, सो रहे होंगे अभी, आ जाएंगे, तुम चुपचाप अपना काम करो ना। कब आएंगे खाली बिरी पूछ रहा है। सॉरी लेट हो गई। नेल्सन दिलीप कुमार। पता है सर। गर्ल्स जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ ना। ये है नेल्सन दिलीप कुमार, हमारे नए कोच। अपना इंट्रोडक्शन रहने दो। वैसे भी इन सब के नाम याद रखना मुश्किल है, और सब ये बात जान ले, मुझे तो सिर्फ परफॉर्म करने वाले ही याद रहते हैं। आज कितने घंटे लेट हो? 2 घंटे सर। 2 घंटे। वीरेंद्र सिंह। हाँ जी सर। गाड़ी तैयार है, अब पिच तैयार करो। ओके चलो, आज का सेशन यहीं खत्म। मैं तुम सबसे शाम को मिलता हूँ टीम मीटिंग के लिए। क्या क्या सर? हाँ बाबा। Are you sure? हाँ बाबा, मैकेनिक है। सर, स्पेशल कंसिडरेशन लिस्ट। जहाँ तक एक टीम का सवाल आता है, आप सभी अपने आप में अच्छे प्लेयर्स हैं, पर एक टीम की हैसियत से हम नॉकआउट स्टेज तक कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाते, और क्वालिफाई करने के लिए 3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। ए बी एंड सी। एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच। ए फॉर अटल, हमें अटल होना है कि हम हारेंगे नहीं। बी फॉर भरोसा, हमें खुद से ज्यादा अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए। एंड सी। ए मैकेनिक, रुको। गर्ल्स, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मैकेनिक है और हम इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। खेला तो सिर्फ एक ही मैच है ना, और हमने लगभग 70 या 80 मैच खेले। बोर्ड ने इन्हें भेजा है, हमें इनकी बातें माननी होंगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पता भी है कि हम कैसे खेलते हैं? पता चल जाएगा। क्या? कल पता चलेगा कि आप सब खेलते कैसे हैं। जो मुझे मामूली मैकेनिक समझते हैं उनकी अलग टीम होगी, और जो मुझे अपना कोच समझते हैं उनकी अलग टीम। तुम्हारी टीम जीती तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर मेरी टीम जीती। ए मैकेनिक। बोलिए इंटरनेशनल प्लेयर। पहले जीत फिर भाषण। जिस टीम को आप कोच कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10 प्लेयर खेलने को तैयार है। कोई बात नहीं। गर्ल्स, क्रिकेट में सीनियर और जूनियर जैसा कुछ नहीं होता। अपने खेल को अपने हिसाब से खेलो, पर पूरी मेहनत के साथ। खेल की इज्जत करो, खिलाड़ियों की। चलो। इधर आओ, सामने वाले की ताकत को समझो, उसके बाद बोल डालो। इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट क्या है? कवर ड्राइव पे अच्छा खेलती है। मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए? ज्यादा फील्डर्स कवर की ओर रख दें क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो दूसरा शॉट खेलेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कवर से फील्डर्स हटाकर गली में फील्ड करवाओ, बॉलिंग वैसे ही करो, थोड़ा सा पेस बढ़ाओ। ओके। ए रम्या, गली में फील्डिंग कर। ठीक है। कौन सी डिलीवरी करने का इरादा है? बाउंसर के लिए फील्ड लगा ही हुआ है, तो बाउंसर ही बोल करना पड़ेगा। जो स्ट्राइक पे होगी वो भी तो यही सोचेगी। ओ नेल्सन, फोकस करो यार मैच में।
चलो 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 गर्ल्स, लेट्स डू इट, कम ऑन गर्ल्स, हमें जीतना है। बढ़िया बढ़िया, चलो कम ऑन टीम। कौशल्या, ऑफसाइड ऑफसाइड, ऑफसाइड में बॉल रखना जैसे मैंने समझाया था। कम ऑन कम ऑन कौशिक, कम ऑन। कौशी हमें बर्बाद कर देगी। उस पर ज्यादा ध्यान मत दे, मेरा गेम देख। क्या हुआ सर? आपने तो ऑफसाइड में बॉल डालने के लिए बोला था। बाद में जाके कौशी से पूछ लेना। आजकल कोई भी गवार उठकर यहाँ पर आ जाता है बॉलिंग करने के लिए। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो मुंह पे मारूंगा। ऐसे ही बॉलिंग करना सीख के आई है क्या गांव से? चल कर कर बॉलिंग कर। अरे जल्दी कर, जल्दी पे, जल्दी जल्दी, कम ऑन। वेल प्लेड, वेल प्लेड गर्ल्स। Well played, girls! यहाँ आने के बाद तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम्हारी बहुत कंप्लेन सुनी है। समझते क्या हो अपने आप को? सर, गुड टू सी यू। माई प्लेजर सर। बोर्ड से सुना मैंने, इसलिए सोचा चलकर तुमसे मिल लूं। सेकेंड इनिंग्स को टारगेट करके आए हो लगता है। हाय पापा। हार गई? तो गर्ल्स, मेरी बेटी हमेशा कहती है कि टीम को मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीच दीजिए, पर मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्रेरणा, ज्यादा मोटिवेशन आपके सामने खड़े हैं। 2004 में जब मैं सिलेक्शन कमिटी में था, तब मैंने ही नेल्सन को सिलेक्ट किया था। उस वक्त हमारी मेंस टीम को एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत थी, और वो था नेल्सन दिलीप कुमार। नेल्सन की पहली मैच में इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला किया, और 10 ओवर के बाद स्कोर था 35 for 5। उस मैच में नेल्सन ने सेंचुरी बनाई, 123 नॉट आउट, इंडिया को जीत दिलवाई। पैनल मेंबर्स ने नेल्सन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया, लेकिन उस समय नेल्सन ने सबको चौंका दिया अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके। तब तक तो मैं समझ रहा था कि एक बॉल पूरी मैच बदल सकती है, पर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक बॉल सिर्फ मैच ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस मैच में हुए एक छोटे से हादसे की वजह से नेल्सन की बाईं आंख की रोशनी चली गई। एक बॉल ने इसका करियर खत्म कर दिया। कोई और होता तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने नसीब को कोसता और अपने टूटे सपनों की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ देता, लेकिन ये नेल्सन है और इसे मैंने सिलेक्ट किया था, इसीलिए ये वापस आया है, जीतने के अपने सपने को सच करने। तुम भी अपने सपने साकार करो, पर एक बात याद रहे, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सिर्फ तुम ही अपने सपने सच कर सकते हो, और कोई तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता ये। ओके, ऑल द बेस्ट नेल्सन। थैंक यू सर। कोच, आप जीत गए, अब हमें क्या करना होगा? वर्ल्ड कप।